टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस बार कैस्टर की फसल कम ही देखने को मिल रही है। कैस्टर का उत्पादन कम रहने का अनुमान है। कैस्टर की डिमांड ज्यादा नहीं आ रही थी और आवकें आने वाली थी, जिससे कीमतें 6000 के नीचे भी जाती नजर आई थी। अब कैस्टर की फसल में नुकसान की भी खबरें आने लगी हैं। वहीं ओमिक्रॉन के चलते जो कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद थी, वो इतनी नहीं देखने को मिली और कीमतें धीरे धीरे सुधरती दिखाई दी हैं। चीन भारतीय कैस्टर ऑयल का मुख्य आयातक रहा है। चाइनीज न्यू ईयर के बाद चीन से भारतीय कैस्टर की मांग निकलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कैस्टर की कीमतों को सपोर्ट ही मिलेगा। कैस्टर पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि फरवरी में कैस्टर की नई फसल मार्केट में आ जाएगी, तो हो सकता है कि उस दौरान थोड़े समय के लिए कैस्टर की कीमतें एक सीमित दायरे में देखने को मिले। अगर 6200 का लेवल भी आता है तो उसको निवेश के लिए निचले स्तर पर एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए। अगले एक महीने तक कैस्टर में 6650 से 6800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अजय केडिया का मानना है कि कैस्टर की नई आवक आने पर मार्केट नीचे जाएगी जरूर, लेकिन फसल कम रहने और डिमांड में सुधार की उम्मीद के चलते भी सपोर्ट भी मिलता रहेगा। जब कैस्टर की आवकों का प्रेशर खत्म हो जाएगा तो कैस्टर आने वाले कुछ महीनों के लिए सबसे शानदार कमोडिटीज में से भी एक बन सकता है, जो ऊपर में 7200 से 7300 तक के स्तर दिखाने के लिए भी तैयार हो जाए। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।